रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? दोस्तों, रावण के पुत्र मेघनाथ को रामायण काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। मेघनाथ अपने पिता रावण से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली था। मेघनाथ के जन्म के समय में रावण ने सभी ग्रहों को एक शुभ स्थिति में रख दिया था, जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो जो सर्व शक्तिशाली और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाथ पैदा हुआ। मेघनाथ ने अकेले ही इंद्र को भी पराजित कर दिया था। मेघनाथ ने भगवान राम को भी युद्ध में हरा दिया था। उसने अपनी मायावी शक्ति नागपास से उन्हें बेहोश कर दिया था। जब भगवान राम को मारने के लिए मेघनाथ ने हथियार उठाया, उसी समय हनुमान जी श्री राम को लेकर गायब हो गए। इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों के सहारे लक्ष्मण जी को युद्ध में दो बार पराजित किया था। दूसरी बार तो लक्ष्मण जी मौत के करीब पहुंच गए थे, तभी उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी लेने आए थे। मेघनाथ के पास ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र भी थे। अगर मेघनाथ इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा अच्छाई और सच्चाई के सामने घुटने टेक देती है। और दोस्तों, इसी अच्छाई और सच्चाई के प्रतीक बने भगवान श्री राम। तो दोस्तों, भगवान श्री राम के लिए हमारे कमेंट सेक्शन पर जय श्री राम जरूर लिखना।